देखिए खबर का असर। न्यूज 70 ने प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को। 7 दिन पहले पिछड़े जींद और मुरादाबाद के 2 सगे बुजुर्ग भाइयों का हुआ मिलन। दोनों भाई जब मिले तो आंखों में आंसू थे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गले नहीं मिल पाए और दूर खड़े होकर रो लिए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 7 दिन पहले पिछड़े 2 सगे बुजुर्ग भाइयों का मिलन हुआ है। न्यूज 70 ने प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को। आपको बता दें कि सुरेश नाम का 80 साल का बुजुर्ग 7 दिन पहले अपने भाई से मिलने मुरादाबाद से जींद आया था। सुरेश का दिमागी संतुलन ज्यादा सही नहीं था, जिस कारण उसे जींद आकर अपने भाई का पता याद नहीं रहा। सुरेश के पास न तो खुद का कोई मोबाइल नंबर था और न ही उसके पास किसी घर वाले का मोबाइल नंबर। ऐसे में यह बेचारा बुजुर्ग जगह जगह धक्के खाकर अपने भाई के ठिकाने को तलाशने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भाई के ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान जब बुजुर्ग सुरेश पैदल चलकर रोहतक रोड पर अपने भाई को तलाश रहा था, तो उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने इन्हें प्रशासन के आदेश पर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया था। आए हैं कहां से हैं ये रहने वाले? कितने दिन से हो आप यहां पे? 8 दिन हो गए। तो आज 22 आपको लेने आया तो घर जाओगे इनके साथ? हाँ। क्या नाम है आपका? अब प्रशासन द्वारा बीमार और सीनियर सिटीजन के आधार पर इस बुजुर्ग को ऑनलाइन पास बनाए जाने की सलाह की जा रही थी कि इसी दौरान प्रशासन को पता चला कि रोहतक रोड पर मुरादाबाद का कोई परिवार रहता है। उस परिवार से संपर्क किया गया। यहाँ 75 साल का एक बुजुर्ग जय सिंह मिला। जब उसे बुजुर्ग सुरेश का रोते हुए का वीडियो दिखाया गया तो वीडियो देखते ही यह बुजुर्ग भी रोने लगा और कहने लगा, यह तो मेरा सगा भाई है, जल्द ही मुझे इनके पास ले चलो। यहाँ के नोडल अधिकारी और जींद के तहसीलदार से इस बारे में बातचीत की गई। प्रशासन ने सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बुजुर्ग को उसके भाई को सौंप देने की बात कही। दोनों एक दूसरे के गले लगना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दोनों मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। फोटो दिखाई थी हाँ मोबाइल में। अच्छा, फिर मैं इनके पास गया, बोला कोई बात नहीं है, नहीं। और सुबह पर चलेंगे ले आऊंगा। तो कैसा आज आपको लग रहा है भाई से भाई मिलने के बाद? कितनी खुशी दिल में? खुशी तो सारी है। सुरेश सैनी नाम है इसका और ये मुरादाबाद का रहने वाला है। ये 29 तारीख को सबसे पहला व्यक्ति यही आया था। रोहतक रोड चौकी इंचार्ज इनको छोड़ के गए थे कि भाई ये आदमी रोहतक रोड पे मिला, इनका कोई पता नहीं मिला तो इसको आप रख लो। तो उस दिन सबसे पहला व्यक्ति 29 तारीख को यही सुरेश सैनी मुरादाबाद से आया था, तो इसको यहाँ पे रखा गया। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद ये बीमार भी हुआ, इसको वोमिटिंग हुई, तो प्रॉपर यहाँ पर जो डॉक्टर्स है उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद इनको ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से CMO अपने हॉस्पिटलाइज भी किया गया। एक दिन हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद इनको वापस फिर लेके आया गया 31 तारीख को। उसके बाद इनसे बातचीत करके इनकी दवाइयां हैं, प्रॉपर हैं, खान पान जैसे कि ये और जैसे कि ये वो खाना नहीं खा सकता, तो इसको खिचड़ी वगैरह उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसके भाई को सौंप दिया? इनको सौंप दिया जाएगा अभी, मतलब आए हैं वो, जो भी कागजी कार्रवाई है प्रशासनिक रूप से वो करवा कर इनको सौंप दिया जाएगा। तहसीलदार साहब से बात हो चुकी है। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा।